University, we are pursuing courses in management, law, information technology, hospitality design, mass comm, and media studies. We do believe that learning happens only from textbooks. This is a center of transformation and experiential learning. To guide us through the journey of professional and personal growth, we will be exposed to leaders from different walks of life. Let me take the privilege to introduce to you all the speaker of the day, Mr. Bhavan Dholakia. Well, on the 7th of November 1947, in the free India, Bhavan Dholakia, the chairman of Sri Ramakrishna Expert, is a naturally born mentor and a determined achiever. Little wonder, then, he cut such a few English figure as precisely cut as the diamonds produced at Sri Ramakrishna Expert. There are leaders who talk, leaders who explain, and then there are those who inspire, so is one among us. Sri Bhavan Dholakia, who is commonly known as Bhavan Kaka, had no education, no inheritance, no social legacy to fall back on. It, hard work, an undiluted focus, Govind Bhai Dholakia's Sri Ramakrishna Exports is doing an annual turnover of over ₹3,500 crore. SRK Exports has grown to become a globally trusted and respected player in the diamond industry over the last 5 decades. After migrating to Surat from his village, his life turned 360 degrees. But his nature did not change a bit. A philanthropist and deeply spiritual, he has imbibed Saint Dongars Maharaj's teaching in his life. Even in business, he has practiced these principles. He has also been influenced a great deal by Gandhiji's ideology. Sir has been invited for many distinguished talks in various prestigious, including IIM and ISRO. Today, it is a privilege for all of us to have Sir here. Sir, please may I request you to come forward and inspire our students with your leadership journey. Please, Sir. Yeah. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं मं बत्वा मनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वैषिणीं कृष्णकन्हैयालाल की जय। अपना विशेष साहेब अवधेश कुमार जी मेघनाबेन मोनिकाबेन अखिलेश जी अने माथुर साहेब अन्य पधारे हुए सब गेस्ट, यहाँ का सब प्रोफेसर साहेब, आप सब लवली विद्यार्थीगण, स्टूडेंट में जो बैठे हैं, ऐसे मेरे सब प्यारे भाइयों एंड बहनों, सबसे पहले मेरा सद्भाग्य है कि मैं
यहाँ ओरो यूनिवर्सिटी में जो अपना सूरत का शान एंड मान ये बढ़ाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी में आज मेरे को आने का तो हुआ, मगर मेरा मान सम्मान के साथ आप लोग सब लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, ये मेरा सद्भाग्य है। सबसे पहले हम बात तो करेंगे, उसमें उनसे पहले गोविंद काका को जितने सुना है इतना ऊंचा हाथ कीजिए। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ ज़्यादा करके बहुत कम लोग हैं कि जो पहले मेरे को सुना है, अच्छा हुआ कि आज हमको मिलने को हुआ। मगर हम आपको डर लगता होगा कि ये गोविंद काका अनपढ़ आदमी है, क्या बात करेगा, हम सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमको सब मालूम है, ऐसा सबको रहता है। और पूरा सृष्टि में जो प्रॉब्लम है वो बोलने का नहीं है, स्पीच देने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में बहुत प्रॉब्लम है। और आप लोग सुनने के लिए बैठे तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल आप लोग को है, मगर मैं आपको हो सके तब तक मुश्किल में नहीं डालूँगा, क्योंकि हम सब लोग बात करेंगे, मैं प्रवचन नहीं करूँगा, इसलिए आप बोरिंग नहीं होंगे और आपको इंटरेस्ट रहेगा। मगर मेरा प्रार्थना है कि हम लोग जब बातचीत करने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जावे, कि हमारे साथ आप भी बात करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। मैं पहले, बहन जी ने तो मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया, मगर मैं पहले सबसे पहले आपको बोल दूं कि आई एम स्टडी ओनली 7 बट आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6 बिकॉज आई एम नॉट गिविंग 7th एग्जाम। आई बॉर्न एंड बर्थ इन माई विलेज इन दुधाला, ओनली 700 पॉपुलेशन दैट टाइम, टूडे ऑल्सो 700 बिकॉज मोर देन 3000 बट ऑल गो आउट ऑफ विलेज सम सिटी, दैट वाइज इन विलेज ओनली 700 टूडे ऑल्सो। इन माई विलेज ओनली, वाई आई स्पीकिंग इन इंग्लिश, अदरवाइज यू थिंक अंकल इज स्टडी ओनली 6 सो ही कांट टॉक इंग्लिश, दैट वाइज आई स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली माई इंट्रोडक्शन। इन माई विलेज ओनली स्कूल 1-4, 5-6-7 आई गो टू तालुका डिस्ट्रिक्ट लाठी विथ वॉकिंग, दैट टाइम नो चप्पल नो बूट, दिस लेग नॉट सी टिल 11 ईयर्स चप्पल। एंड आई एम कमिंग टू सूरत इन 1964 डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, दैट टाइम इन सूरत ओनली 200 डायमंड पॉलिशर्स, ओनली 200, वन ऑफ आई दैट टाइम 1964 एंड दैट टाइम, टूडे मोर देन 500,000, नियर टू मिलियन पीपल इन डायमंड, दैट टाइम ओनली 200, दैट टाइम सूरत पॉपुलेशन ओनली 275,000, टूडे नियर टू 6 million, सो दैट इज द अवर सूरत। दैट टाइम इंडियन एक्सपोर्ट डायमंड ओनली 6 crore, टूडे 1,40,000 crore। तो ये सूरत और डायमंड का सिचुएशन हो गया। कैसा लगा मेरा इंग्लिश? माय इंग्लिश इज, माय इंग्लिश इज रनिंग अराउंड द वर्ल्ड बट माय इंग्लिश इज विदाउट ग्रामर। बट यू सी डोंट वांट ग्रामर इन द वर्ल्ड, हु वांट ग्रामर?
Grammar want only British and India. Because by America want grammar? Don't want. Because America has more than 200 countries population. Mix, mix, mix. मैं अमेरिका के लिए बोल दूं यहाँ भाई साहब से है तो अमेरिका में तीन अक्षर का कोई नाम नहीं बोलते. अगर श्रेयांश होता तो सैंडी कर देते, अक्षय होता तो एडी कर देते, एंडी कर देते, मगर कोई तीन अक्षर का नाम नहीं बोलते हैं अमेरिका में. इतना शॉर्ट है. तो why two country want grammar? Because British has its mother language. India has largest speaking English in the world. That why is only two country want English. That why I don't speak in India. I speaking around the world. But when I go to Sweden, Germany, France, wherever, so when I speaking with him, तो ये लोग क्या समझते हैं कि ये भाई को तो इंग्लिश बराबर आता है, हमको नहीं आता है. क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है ये पूरा वर्ल्ड में अच्छा है. ये आपको मालूम है क्यों अच्छा है? कि हमारी पर ब्रिटिशरों थे पहले से, इंग्लिश वर्ड्स हमारी पास बहुत रेडी है. मैं जब पहली बार 1977 में एंटवर्प बेल्जियम गया तो मेरे को लगा कि मेरे को इंग्लिश तो थोड़ा सीखना पड़ेगा. तो मैं एक बैंक मैनेजर को पूछा कि मैं क्या करूं. उसने कहा कुछ नहीं करने का है, आपको इंग्लिश आता है, आपको मालूम नहीं है. क्योंकि यहाँ इंग्लैंड जो हमारे ऊपर रूल्स थे तो यहाँ अंग्रेजी हमारी पास रेडी है. आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं, अनपढ़ है ना आप, फिर भी आपको 500 वर्ड इंग्लिश का आता है. तो मैं तो ताजुब हो गया कि इंग्लिश को मेरे लिए कैसे आता है. तो उसने समझाया कि आप लिखने लगो आपको मिल जाएगा. मेरे को एक वीक में 500 वर्ड्स मिल गया. कैसे? तो हम मानते हैं कि हम गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मगर पूरा हमारा 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ जो रूल्स था वो टाइम पर बहुत नया 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 सिस्टम आया. तो सबका नाम इंग्लिश में आया, इसलिए हमारा लैंग्वेज इंग्लिश हो गया. हम मानते हैं भाई चेयर पर बैठो, टेबल पर बैठो, टेबल इंग्लिश है. किसी को मालूम है गुजराती क्या है टेबल का? तो हमको मालूम ही नहीं टेबल का गुजराती क्या होता है. क्या होता है, है? चारपाई नहीं, मेज, मेज, मेज. टेबल को मेज गुजराती में बोलते हैं. ये तो बात है, हम गुजराती भूल गए, मालूम नहीं रहा. तो ये पेन, शर्ट, कोट, बूट, लाइट, पशी स्विच, पशी प्लग, क्लच, वायर, ब्रेक, एक्सीलेटर, आप किधर भी जाओ हम सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, गुजराती समझकर, हिंदी समझकर. फाइव बस, मोटर, कार, बस स्टैंड, स्टेशन, कुछ भी बोलो सब इंग्लिश है. हम समझते हैं कि हम गुजराती में, इसलिए वो भाई ने बोला आपको कुछ समझ नहीं, आपको इंग्लिश सीखने का है, खाली 200 ग्रामर का वर्ड्स सीखने का है. वो कैसे सीखेंगे कि आपके वहाँ गुजराती न्यूज़पेपर आते हैं, खाली टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाओ और एक न्यूज आपको गुजराती में पढ़ने का, सेम न्यूज आपको इंग्लिश में पढ़ने का. तो आपको एवरी डे एक वर्ड आ जाएंगे और 200 दिन में इंग्लिश पक्का हो गया. इतना ही है इंग्लिश. तो अभी हम बात करते हैं कि जीवन में हमको क्या चाहिए, हमारी प्रगति कैसे हुए. देखो यहां जो अपना ओरो यूनिवर्सिटी है ये अक्षर ज्ञान तो देती है, नॉलेज तो देती है, मगर साथ में जो सात्विकता है ये इतनी सात्विकता कहाँ नहीं मिलेंगे. क्योंकि ये ओरो है और ओरो जो श्री अरविंद जी है उसका आपने तो पढ़ाई किया ही होगा, मगर उसका पूरा वर्ल्ड में
जो फिलोसॉफी है वो जो आप लोग को मिलने वाली है ये कहाँ भी जावे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए थिंक चाहिए, तो ये विचार यहाँ से आपको एकदम सात्विक मिलने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ जो मोनिका बेन का बात लेता हूँ, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का है। तो मोनिका बेन ने जो मेंटरशिप के लिए, मैंने थोड़ा पढ़ा देखा कि इसमें क्या है, मैं आपकी बात आपको बताऊँ तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसने जो मान सम्मान का सिखाया, मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मान सम्मान का क्या फायदा है मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, क्योंकि आई एम 6 ईयर वर्किंग इन फैक्ट्री, तो वर्कर 6 ईयर 1964 to 1970, आई स्टार्टिंग फैक्ट्री इन 1970। बहन जी ने बोला कि अभी SRK में श्री राम कृष्णा कंपनी का नाम है, SRK हो गया, तो SRK का टर्नओवर उसने सेल 3500 का किया, बोला अच्छा हुआ, मगर ये 6 साल पुराना है, अभी कंपनी का कारोबार 8000 करोड़ का है, 1.2 बिलियन। तो मगर सुख शांति के लिए और सुख पैसा से ही मिले ये सबसे गलत बात है। मैं यही बात हम लोग करेंगे कि कभी भी पैसे से सुख मिलता नहीं है, सुख मिलता है समझ से, समझ से, ये बात हमको मेन समझने का है। और इसलिए मैंने ये मोनिका बेन का सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है मान सम्मान का। ऐसा हुआ कि मैं तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में था, तब 14 घंटा फैक्ट्रियां चलती थी सबको, ऐसा नहीं हमारी एक फैक्ट्री, पूरा सूरत में टेक्सटाइल वाला डायमंड वाला 14 आवर्स ए डे, सुबह 6 o'clock शुरू हुए, रात को 8 बजे बंद हुए, और रविवार को भी दोपहर तक शुरू रहे। ये मैं बात 50 साल पहले की आपको बता रहा हूँ, ऐसा भारत था, ऐसा इंडिया था, इतना मेहनत किया है, अभी सबको मालूम नहीं है ये बात का। अभी रविवार के दिन एक भागवत कथा थी डोंगरी जी महाराज की, तो मैं सुनने को गया, ऐसे ही मालूम नहीं था, तब मैं 17-18 ईयर्स ओल्ड होगा आपकी जैसा, तो मैं कथा सुनने को गया, मेरे को बहुत आनंद आया। और कोई पूर्व जन्म में मानता हूँ ये बात अभी नहीं करेंगे, मगर कैसे मानता हूँ ये अगर आपको जानने का है, तो जब मैंने IIM में लेक्चर दिया था तो वो लोग ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि आपको पूरी गीता मौखिक है वो बात सही है, मैंने बोला हाँ, तो ये बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको गीता पूरी मौखिक होती है ये कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी गीता मौखिक नहीं होती है, तो आप दोनों कैसे हो गया। तो मैंने उनको तब जो आंसर दिया था कि मैं पूर्वजन को मानता हूँ, आप लोग नहीं मानते हैं, मगर आपने पूछा तो मेरे को बोलना पड़ेगा, ये आपको यूट्यूब में गोविंद धोलकिया IIM डालेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी बात हुई कि मैं जब गया तो मेरा एकदम जाने शरीर हल्का फुल्का हो गया, कोई समाधि अवस्था हो गया, मेरा कुछ खोया हुआ पाया ऐसा मेरे को सब मानस में हो गया। ये उम्र में कुछ समझते नहीं थे, 17-18 ईयर्स ओल्ड, समझ कुछ नहीं पाता था, मगर आनंद बहुत आया। तो मैंने मेरा बॉस को बोला कि सर मैं 7 दिन कथा सुनने को जाऊंगा और काम पर नहीं आऊंगा। तो हमारा शेठ ने बोला कि भाई तू एक नहीं आवे तो आप रूटिंग का काम करते हैं, आप अकेले नहीं आवे तो सिस्टम में 8 कारीगर मेरा बैठेंगे। तो मैंने बोला तो मैं रात को आके बना दूँ तो
उसने हाँ बोल दिया तो मैं पूरा दिन कथा सुना। 6:30 बजे मैं शाम को फैक्ट्री में चले जाओ, रात को 12-1 बजे तक मैं 20 डायमंड बनाने का हर दिन बना दूं, ऐसे पूरी कथा सुनी और यही कथा में से मेरा जीवन बना। ये मान सम्मान की जो बात है यही उसका है एग्जाम्पल, इसलिए मैंने स्टोरी की आपको के डोंगरे जी महाराज ने बोला आपको मान चाहिए तो सबका हृदय में पूछ लो, सब ने पूछा, 30,000 लोग सुन रहे थे, मैं अकेला नहीं था। तो मैंने मेरा आत्मा को पूछा मेरे को तो बहुत मान चाहिए, कोई देता नहीं है तभी, अभी जो आपका रिस्पेक्ट है ना वो टाइम पर इतना यंगस्टर को रिस्पेक्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो मान चाहिए, कोई देता ही नहीं है। तो डोंगरी जी महाराज बोला आपको मुफ्त में मिलेगा, आपको कुछ उसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो आपको मुफ्त में मिलेंगे। मगर क्या है कि सृष्टि का एक नियम है, ये आप सब लोग भी बराबर याद रखने का, कि आ सृष्टि में हम जो कुछ भी देते हैं वो हमको वापिस मिलता है, ये नियम है सृष्टि का। तो मैं वो बोला कि आप दूसरे को मान दो तो आपको मिलेगा, दूसरा कुछ सोचना समझना नहीं है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि कैसे मिलेंगे, तो उसने बोला कि अगर आप हिमालय में चले जाओ ना, लाखों पहाड़ियां है और हिमालय में जाके अगर कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा तो 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। और अगर वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा तो 10-20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश। ऐसे डोंगरे जी महाराज ने प्रैक्टिकल समझाया। तो मैंने बोला ये मुफ्त में है तो अपने को उनके लिए कई देखना चाहिए, सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो हम फैक्ट्री में 40 लोग काम करते थे, सब मेरी जैसा ही था, 15 से 25 साल का था, तो सब लोग यही उम्र में आपकी जैसा सब नाम से ही बुलाते हैं, मगर अभी मान सम्मान के साथ आप बुलाते हैं। हमारे वहाँ कहा था तभी 50 साल पहले मेरी को सब गोविंद नहीं बोलते, गोविंदा बोलते, और अब भगवान भाई होते तो हम भगो बोलते, वीर जी भाई होते तो वीरो बोलते, लाल जी भाई होते तो लालो बोलते, ऐसे सबका नाम होता था। मैंने दूसरे दिन जाके सबको मान सम्मान दिया, लाल जी भाई, कांजी भाई, वीर जी भाई, तो सब लोग फैक्ट्री में बोलने लगे कि गोविंदा नू खही क्यों से, कि उनका तो कोई खही गया, कुछ कुछ नहीं है, और सब लोग मेरी मश्करी करे जोर से। मैं खाली हंसी दू, कुछ बोलू नहीं, हंसी दू। 2 महीने में तो ऐसा चमत्कार हुआ कि बॉस जब चाय मंगावे तो उनकी 5 बिठा के आधी चाय मेरे को देवे, अगर मेरा कोई मश्करी करने को आवे तो 2-3 आदमी आ जावे, ऐ गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा था, 2 महीने में मुफ्त में गोविंद भाई हो गया। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है, तो ये फॉर्मूला मैंने अपना ली। मेरा छोटा भाई था उनको मैं भाई बोलूँ, सबको मान सम्मान दो, बाद में मेरा भतीजा सब हुआ उनको भी मैंने सबको जन्म से आप ही बोला। मैं मेरी लाइफ में पूरा वर्ल्ड में किसी को तू बोलता ही नहीं हूँ, खाली 5-6 लोग हैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बहू और 2 बेटियाँ और जमाई, क्यों वो लोग ने मेरे साथ अबोला कर दिया था कि अगर हमको तुकारे नहीं बुलाएंगे, उनको मैं आप ही बोलता था, अगर वो लोग ने बोला कि हम अगर आपको बोले तो हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो उनके हिसाब से ये 5-6-7 को मैं खाली तू बोलता हूँ, सबको आप बोलता हूँ। देखो हमारे साथ ये 3rd जनरेशन आया हुआ है ध्रुवल भाई, ये मेरा भतीजा का बेटा है, तो मैंने उनको जन्म से कभी तू नहीं बोला, मैं अभी भी ध्रुवल भाई आप ही बोलता हूँ बेटो। ये उत्कर्ष भाई है, ये उत्कर्ष भाई मेरा भांजा का बेटा है, तो मैं मेरा भांजा को तो आप बोलता हूँ, मगर उनको भी मैंने कभी तू नहीं बोला, वैसे उत्कर्ष भाई। तो उसका क्या हुआ नतीजा क्या हुआ, नतीजा ना हिंदी में नतीजा क्या हुआ कि लास्ट 50 ईयर्स में 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। उनको तो सबको जो लाभ मिला, मगर मेरे को लाभ मिला कि मेरा का 50 साल में मेरे को किसी ने
नहीं किया उनके हिसाब से जो अभी कंपनी हो गई वो उनके हिसाब से हो गई मान सम्मान के हिसाब से कैसे मैंने सब भाना भांजा भतीजा छोटा भाई सबको आप बोला मान दिया हमने फैक्ट्री शुरू की तो हमने वर्कर को आप बोला तो वर्कर दूसरा वर्कर को लेके आए सेठ आप बोलते हैं सेठ हमको मान देते हैं तो सब हमारे वहां क्या वर्कर आ गया तो वर्कर होने के नाते सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए एक फॉर्मूला में खाली मान देने से ये पूरा बढ़त हो गया तो आपको अभी प्रैक्टिकल में कुछ उसमें से आया कि भाई हम भी ऐसे चले कोई मन में उतरा बात चलो चलो अभी एनी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप करेंगे ना तो बातचीत हो पाएगा बातचीत होगा तो अपने क्योंकि मेरे पास मैंने जैसे बोला कि कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास खाली अनुभव है पूरा वर्ल्ड का क्योंकि मैं मोर देन 100 कंट्री में मोर देन 150 कंट्री में गया होगा और मेरा 20-30 साल का लाइफ ऐसा था कि मैं 30% ओवरसीज में रहता था इसलिए मेरे पास खाली प्रैक्टिकल नॉलेज है देखने से पढ़ाई नहीं है तो ये नॉलेज मैं बांटना चाहता हूँ ऐसे नहीं कि मेरे पास ज्ञान है आप कुछ भी बोलो मेरे को ज्ञान है ही नहीं और डोंगरे जी महाराज बोलता था कि ज्ञान अकेला कोरा है कोरा उसमें विनाश चाहिए किसकी विनाश लागणी की हृदय की अकेला माइंड्स में अगर कोई डिसीजन लेवे तो वो डिसीजन अच्छा नहीं होगा अगर हृदय का साथ में विनाश वाला होगा तो ही उसमें जो है डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि भक्ति विनानुज्ञान ये पांगलू से अने ज्ञान वगरनी भक्ति ये आंधली से भक्ति हृदय से होती है और ज्ञान माइंड से होते हैं तो दोनों का यूज करना चाहिए तो ये जो बात है हमारा जो बात है मैक्सिमम लागणी का है हृदय का मगर अकेला हृदय का बात करें तो जो बुद्धि का विवेक नहीं है तो चलेगा नहीं क्योंकि सब लोग उसको मिसयूज करेगा अकेला बुद्धि होगा बुद्धि क्या बोलती है भाई तू तेरा काम करने वो तो ओरो यूनिवर्सिटी में सबको सब कुछ मालूम है वहाँ प्रोफेसर खड़े हैं तू क्यों वहाँ जाता है बुद्धि ऐसी बोलेंगी कि तू तेरा काम कर मगर हृदय बोलेगा नहीं ये पूरा विश्व हमारा है सबके साथ हमारा प्यार बांटना है सबके साथ हमको मिलने का है ये हृदय का काम है हृदय और मगज में क्या फर्क होता है मैं ये समझा रहा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हृदय को यूज करें अकेला अगर बुद्धि का जो हमने विश्वास किया तो वो सही ढंग से ये बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती उसमें विनाश होना चाहिए एनी क्वेश्चन पहले लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते मालूम है सबको ऐसा लगता है कि अगर मैं पूछूंगा तो सबको ऐसा लगेगा उनको इतना भी मालूम नहीं है अरे भाई किसी को कुछ मालूम नहीं है हमारे मन में क्वेश्चन कि हम परिपूर्ण हैं हमको सब मालूम है देखो मैं आपको समझाऊं अभी आपका मन में क्वेश्चन तो है मगर भाई शर्म न हूं कि भाई इंग्लिश में गड़बड़ थी गई हम जानू नहीं भाई शर्म न हूं कि इंग्लिश में તમે હવે સમજી લો ને મને તો નહીં આવે તો અમારી કંપની કા એક સેન્ટેન્સ છે શરમ કોઈની રાખવાની નહીં મર્યાદા કોઈની તોડવાની નહીં તો શરમ અને મર્યાદામાં ક્યાં ફરક હે કે અભી જો આપ બોલ નહીં રહે વો શરમ હૈ શરમ નહીં રખને કા મર્યાદા ક્યાં હૈ કે હમારા સર બેઠા હૈ प्रोफेसर बेटा अविवेक नहीं होना चाहिए देखो मैं हमारा स्टाफ में एकदम देशी भाषा में समझाता हूँ कि मैंने खाना खाया मेरे यहाँ एक शर्ट पर डाघा हो गया
और आप लोग बोलेंगे हम बॉस को कैसे बोलेंगे आपको यहाँ डागा है शाक का, नहीं बोलेंगे। तो शाम तक मैं उसको कितना देखेगा भाई, 25-50, 100 लोग 200 लोग देख लेंगे, तो हमारा उसमें अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो शर्म नहीं रखने का, तो उसको प्रेम से जब जाके सर की पास आके कान में जरा बोलने का कि आपका शर्ट ऊपर थोड़ा डागा है देख लो, तो उसको बोलते हैं विवेक। मगर अगर वहां से खड़े खड़े बोले ऐसे ढूं हवे खाता नहीं थी आवड़ तू तुमने आ डागो पड़ी जो, ये नहीं, वो अविवेक बोलते हैं। अविवेक नहीं करने का, मगर विवेक से तो हम बोल सकेंगे कि आप जरा वो डागा निकाल दो, ऐसे वो विवेक में, वो दोनों में फर्क है। तो शर्म कोई नहीं राखवानी नहीं ने मर्यादा कोई नहीं तोड़वानी नहीं। तो आप शर्म में मत रहो, जो तमे वातों में इन्वॉल्व थशो ने तो आपणे वातो करवानी मजा आवशे, एटले हुं तमने कहुं छुं। भाई बे ताली बजावो बेन माटे, चालो एक तो अमारे मलिया। गोविंद काका, आप किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ, जो आपका पारिवारिक जीवन है और आपका जो बिजनेस है, और उस तरह उसमें आप किस तरह से एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट आप प्रिकॉशन स्टेप्स और एडवाइस देंगे आज की नई जनरेशन को? धन्यवाद, थैंक यू बेन। मित्रों, सच्चिदानंद महाराज दंताली वाला बोलता था कि अगर एक गांव पूरा बहुत साथ में रहता है, एक फैमिली अगर बहुत साथ में रहता है, पूरा राष्ट्र अगर मिलजुल के रहते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रूल्स होता, भोग होता है, जैसे बोले कि वही सब एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे बहन जी ने बोला ऐसा, सबको साथ में रखने के लिए अपने को धीरज रखना पड़ता है, धीर गंभीर। जो जो लोग लीडर है उनको ही वो संभालना पड़ता है, लीडर कोई, तो जो लीडर होता है वो अगर धीर गंभीर रहे तो सबका प्रश्न हल हो सकता है। अगर हम फैमिली में किसी को सुने ही नहीं, वो तो पप्पा बोलता रहता है सुनो जाने दो, मम्मी तो बोलती रहती है, भाई तो बोलता रहे, बेटा तो बोलता रहता है, बेटी बोलती रहती है, तो ऐसे वो प्रश्न सुन लेंगे नहीं। तो उसमें धीरज रखनी पड़ती है, धीर गंभीर एक शब्द है, तो गंभीर भी होने का और धीरज भी रखने का, धीरज रख के वो बात उड़ा नहीं देने का, गंभीर बन के सही टाइम पर वो देखो। मैंने पहला ही सबसे बोला कि सुख कौन देता है? स्वभाव। मेरे को सुख किसने दिया? स्वभाव ने, क्योंकि मैंने ऐसा स्वभाव बनाया कि सबको मान सम्मान दो, सबके साथ मिलजुल के रहो, तो क्या उसका नतीजा हुआ कि सब सुख मेरे को मिला। अगर पैसे से सुख मिले तो आप इतना धनाढ्य लोग का पूरा स्टोरी हिस्ट्री मानते हैं, तो ये पूरा फैमिली एक साथ में बैठ के खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। तो पैसे से अगर सुख मिलता है तो सब सुख उनकी पास ही चली जाए ना, हमारे पास तो कुछ बाकी नहीं रहे। मगर हमारा जब वर्कर लोग होते हैं, उसको हम मिलते हैं पर्सनली में, तो हम पूछते हैं कि आपका मदर फादर आपके साथ रहता है, आपका ब्रदर आपके साथ रहता है? तो मैं मानता हूं कि अगर हमारा जो वर्कर है वो दोनों भाई साथ में रहते हैं और मम्मी पापा साथ में, शाम को पूरा घर साथ में बैठ के खाना खाता है, तो वो मुकेश भाई और अनिल भाई से भी ज्यादा सुखी है। मानते हैं आप लोग? वो साथ में बैठ के दोनों भाई खाना नहीं खा सकते, पैसा तो पूरा है उनके पास है, आप समझे ने? तो अगर आप लोग, आपके घर में जो घर बड़ा होता है तो फैमिली साथ में रह सकती है, ऐसा नक्की नहीं है। जिसका दिल बड़ा होता है वो ही साथ में रहता है। तो साथ में संयुक्त फैमिली के लिए घर बड़ा होना महत्व का नहीं है, दिल बड़ा होना महत्व का है। तो आप लोग, अगर आपको सुख शांति समृद्धि, आपका बिजनेस डेवलप, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ कौन देगा? आपका स्वभाव। स्वभाव आपका जो नेचर है ये ही सब कुछ आपका नियंता है। आपका नियंता दूसरा कोई है नहीं, पहले समझ लो।
कि अगर आपने एक साल तक किसी का बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उसका सेवा किया, मगर एक बार अगर आपने क्रोध किया और उनके साथ झगड़ा करके उनको जरा अपमान कर दिया, तो एक साल आपने उनका जो कुछ किया सब फिनिश, एक 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 क्रोध में। तो आपको कौन करता है क्रोध? स्वभाव करता है। काम कौन करता है? स्वभाव करता है। मान कौन देता है? स्वभाव देता है। अपमान कौन करता है? स्वभाव। तो हमको पूरा सुख दुख अपने, वो आपका स्वभाव ये है। तो आपको स्वभाव को आप पहचाने। अगर आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपकी प्रगति को कोई रोक ही नहीं सकेगा। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपको साक्षात भगवान आवे फिर भी सुख दे नहीं पाएगा। तो आपका स्वभाव ही आपका जो सुख का नियंता है। तो आप बोलिए प्लीज। मतलब अगर कोई कुछ गलत करे हमारे साथ तो रिवेंज लेना चाहिए या नहीं? सर बहुत अच्छा भाई, भाई ताली बजाओ, यानी जिगर करी भाई, ओली भूखे का लाओ लाओ, आप ही दो भाई ने भूख। धन्यवाद। सुन नाम आपनो? मंथन भाई, बहुत अच्छा। देखो हमारे पास कोई अगर विवेर अच्छा नहीं करे और झगड़ा करे, हमको गाली दे, तो हम क्या करें? चुपचाप खड़े रह के सुन ले? ऐसे वो भाई का क्वेश्चन है, सही है ना भाई? आप लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए? 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने लिखा है, 250 साल हो गया उनको, कि अगर हमारी विरोध में कोई बोले तो हमने उनको प्यार से समझाना चाहिए कि भाई इसमें मेरा गलती नहीं है, फिर भी वो नहीं माने तो उनके साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। हमने सुना ही नहीं, कोई हमको पूछे ऐसा बोले, ओ गधा, हमका गधा हो गया, वो बोला, पर मगर हम मान ले तूने मेरे गधा किया, फिर हो गया, फिर हो गया। तो हम माने ही नहीं, हमने सुना ही कहां से तूने गधा किया, तूने तू समझ। तो वो उनको पछतावा होगा एक घंटे के बाद, क्योंकि बाहर का लोग तो हमको कह के नहीं आते। तो सहन शक्ति, जो सहन शक्ति है उनको लोग कमजोरी समझते हैं, मगर सहन शक्ति ये महान शक्ति है। सहन करना तो सबसे शक्ति है, कि सहन कैसे करे। अगर एक बार सहन किया, देखो जब ने मैं आपको एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं फैक्ट्री में था और मैं जब सबको मान देने लगा, सब मेरा मश्करी करने लगा, तो अभी तभी मैंने अगर धीरज नहीं रखा होता और उनको आंसर दिया होता तो वो लोग मेरे को मानते ही नहीं, मानने क्यों लगे। एक एग्जाम्पल दूं, हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन की स्थापना हमने 25 साल पहले की, तभी हम 5-7 लोग आगे थे इसमें। तो उसका एक पहला एक मीटिंग रखा कि भाई अभी एसोसिएशन की स्थापना की तो आप लोग थोड़ा पूरा डायमंड वाले को रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छा बुरा समझाओ। तो एक भाई ने मेरे पहले बोला, दूसरा नंबर मेरा था, तो दूसरा नंबर मेरा था तो एक भाई ने आके मेरा माइक झूठ लिया और मैं तो हंसते हंसते चुपचाप बैठ गया कि भाई उनको नहीं सुनने का है, भगवान की इच्छा नहीं होगी कि उनको सुना हो, तो हम क्या करें, हमारे को तो उनको अच्छी बात ही बोलने का था, कुछ गलत बात तो बोलने का नहीं, भगवान की इच्छा। हमने चुपचाप कुछ नहीं बोला, हो गया, सभा बर्खास्त हो गई। ये बात को 4 महीना निकल गया और सब लोग पूरा डायमंड मार्केट में, जब ये मीटिंग खत्म हो गई सब लोग मेरे पास आ गया, हम उनको ऐसे करे, आपका अपमान किया, ऐसा करे तैसे करे। मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा अपमान वो क्यों करे, मेरे और उनको कभी बिजनेस का रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है,
उनके मन में कुछ होगा, वो जब समझ उनको सही ढंग से आएगा तो मेरे को वो प्यार करेगा, आन उनको कुछ आया होगा। 4 महीने के बाद एक मैरिज पार्टी में वो भाई मिला, ऐसे मेरे पैर में पड़ गए। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो वो बोला कि मेरे को ऐसा था कि आपकी कास्ट ये है, आप वो कास्ट का नहीं था, इसलिए मेरे की गलती हो गई। उनको कास्ट के साथ प्रॉब्लम था, मेरी साथ नहीं था। तो ये कास्ट का समझ के उसने मेरे को अपमान किया था, तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा क्या भाई। जो हमारी धीरज थी उनको सही ढंग से मालूम हुआ, कास्ट का प्रॉब्लम भी उनको है, मानना नहीं मान का प्रॉब्लम उनको है, सुख दुख उनको है, हमको क्या। तो हमारे तो वो 4 महीने के बाद पछतावा तो उनको हुआ, वो पैर में पड़ गए, मैंने उनको गले लगा लिया, खत्म हो गई। तो हम अगर वहां मैं बोलता तू मेरे को पहचानता है मैं कौन हूँ, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट का बॉस हूँ, तू क्या मेरे को अपमान करता है, तो झगड़ा हो जाता, तो अशांति किसको होती, मेरे को। और उसने मेरे बोलने नहीं दिया तो क्या लेके गया, मेरा क्या गया, मेरा तो ऊपर से बोलने में जो अपना शक्ति व्यय होता वो बच गया आपने सीधा लेने का। धन्यवाद। पर गीता में ऐसा लिखा है जब भी कोई गलत कर रहा है तो उसका दंड देना चाहिए। भाई ये बात गीता का बहुत अच्छा किया आपने, गीता सब्जेक्ट तो मेरा प्रिय है, मेरा जीवन गीता ने बनाया है, क्योंकि 16 साल की उम्र में तो गीता मेरे को गुजराती में पूरी मौखिक हो गई थी, तो गीता जी को तो मैं पहचानता हूँ। तो गीता जी में सब लोग ऐसे बोलते हैं, गीता जी में भगवान ने बोला है कि अपने को जो मारे उसको मारना चाहिए, ये बात इससे कोई गलत बात गीता की है ही नहीं। ऐसा कोई सेंटेंस लोग आप हमको दिखाओ कि इसमें भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान ने तो ऐसा बोला है अर्जुन को कि भाई तू तो खाली ये बाना रूप है, ये तो जो होने वाला वो ही होने वाला है, तेरे को कुछ नहीं करने का है। अभी तेरा धर्म है कि तेरे को लड़ाई करने का है, तू अभी युद्ध भूमि में आ गया है तो तू तेरा धर्म है कि लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि तू धर्म भूमि में खड़ा है, तो तू अभी ऐसी पहले धर्म भूमि में आना नहीं चाहिए, अगर तेरे को नहीं करने का था तो अभी तू आ गया है तो तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। अबे अत्यारे आपने कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला, ऐसा कहां भी नहीं बोला कि हमको जो भी आवे उसको मारने का, उसने तो इतना ही अर्जुन को बोला है मैंने बोला ऐसा कि आत्ताइयों ने मारवा मा पाप नथी, आत्ताई मिस जो सगुणों थी युक्त होय, सगुण होय एने कहवाय भग, भगवान एटले भगवान एटले शू, सगुणों थी युक्त, जेम कीर्तिवान लक्ष्मीवान एम भगवान एटले भगवाला, एटले भगवान एटले छ गुणों थी युक्त, छ अवगुणों थी युक्त होय एने आत्ताई कहवाय, भगनो विरोधाभासी शब्द है आत्ताई। तो वो तो ऐसे बोले है कि भाई ये दुर्योधन आत्ताई है, उनको मारने में पाप नहीं है, मगर कभी नहीं बोला कि तेरे को जो मारे उनके साथ सामने मारने का, ऐसा गीता में कहीं वर्ड के श्लोक आया नहीं है। मगर गीता इतनी गहरी है, गीता के ऊपर भाष्य मोर देन 10,000 हुआ होगा, मोर देन 10,000, सबका उसमें अलग 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 थिंक है। मेरी गीता मेरे लिए अलग थिंक होती है, क्योंकि गीता में इतना गहरे का है वो पूरा उनको कोई समझ नहीं पाएंगे। मगर आप जो बोले कि गीता में जो आप भगवान ने वर्ड बोला है, ऐसा पूरी गीता पढ़ के आप मेरे को दिखाओ कि जो आप ना बोलते थे मगर यहां लिखा है, गुड लक। मगर अर्थ हो सकता है, 1 का 10 अर्थ होता है, हम कैसा अर्थ करें। सर अगर मतलब सपोज अगर मेरे डैड है और मेरा उनके साथ किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई भी अगर कोई क्लोज हो जिनके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं पे टेक्निकली वो रॉन्ग है पर मेरा उनके साथ रिलेशन इम्पोर्टेंट है,
तो मुझे क्या देखने का कि मैं राइट प्रूव करूं खुद को कि मैं मेरा रिलेशन बचाऊं उनके साथ. ये सबसे बड़ी बहन जी आपका नाम वृषि भाई बुक है मैंने लाया शो बुक चाहिए भाई प्लीज प्लीज ऋषि बहन वृषि 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 ऋषि बेन आपने जो बात पूछी उसमें बहुत गहरी बात है और बहुत अच्छी बात बोलाई. वो मेरा स्वभाव की नेचर की है कि पहले तो हम लोग मानते हैं कि सामने वाला गलत होता है फिर भी हमको क्या करने का. पूरी दुनिया ऐसी समझती है कि सामने वाला गलत है मगर हम सही नहीं है ये बात कोई मानने को तैयार. ज्यादा करके हम ही गलत होते हैं. 90% हम गलत होते हैं सामने वाला 10% ही रॉन्ग होते हैं मगर हमारी अज्ञानता से हम हमको मानते हैं कि वी आर ऑलवेज राइट आई एम राइट और आई एम समथिंग. ये पूरा जो दोष है दुख है ये यहां से ही शुरू होता है. तो मैं सत्संग में जाता था यहाँ 12 साल गया रानी तलाव पारसी शेरी में इंद्रवदन भाई सत्संग कराता था. उसने बोला कि दुनिया भगवान ने बनाई है बहुत अच्छी है दुनिया को सुधारने की भांग जड़मा आप मत पड़ो आप खुद सुधर जाओ तो दुनिया पूरी सुधरी हुई है. तो हम लोग सुधरते जाए. फिर उसने जो एग्जाम्पल दिया वो हम सबके काम का है. उसने बोला कि आप हर दिन 5 सेंटेंस ऐसा लिखे कि मेरे को आज ये बहुत अच्छा लगा ये कार्य हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा. 5 सेंटेंस ऐसा लिखे कि ये जो हुआ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया गमता अनगमता. क्या होगा आप उनको 2-3 साल के बाद पढ़े तो आपको जो 5 अच्छे लगते थे इसमें 1-2 गलत लगने होंगे कि आज ये नहीं अच्छा लगता है और जो नहीं गमता था उसमें से 1-2 अच्छा लगने होंगे. तो आप ही खुद स्वयं ही सच्चा नहीं है तो दूसरे को कैसे आप सुधारेंगे. ये उसके एग्जाम्पल के साथ दिया. मैंने लिखने को शुरू कर दिया एवरीडे 5 से उसमें से मेरी डेली डायरी शुरू हो गई. मैं आज मेरा 40 साल पहले का डेली डायरी पढ़ता हूं तो मैं ऐसा गोविंदा था मेरे को ऐसा लगता. तो मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि हम पिक्चर बहुत देखते हैं दुनिया का. हमारा पिक्चर कब देखेंगे अगर हमने डेली डायरी लिखा होगा. तो आप सब लोग डेली डायरी लिखते हैं जितना लोग लिखता है इतना उत्साहत कीजिए. बहुत अच्छा धन्यवाद साहिब. मैं आपको अभिनंदन देता हूं कि यहाँ 10% लोग डेली डायरी लिख रहा है नहीं तो 1 और 2% निकलते हैं. यहाँ नियर टू 10% निकला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. देखो आपकी प्रगति आपको सेटिस्फेक्शन आपके अलावा कोई नहीं दे सकेगा. तो आज से उसमें से 100% लोग डेली डायरी लिखना चाहिए. 100% लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्यों उसमें हमारा दोष नहीं है. डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि ईश्वर की कृपा की कोई कमी नहीं है. इतले ही गुजराती में ऐसे बोलते थे कि भगवानी कृपानो पार नथी अने जीवनी अवलायनो पार नथी. इतले हम लोग जीव है तो अपनी जो लोग ये सृष्टि में दुखी होते हैं वो सब भगवान का दिया हुआ दुख है. ये हमारी अवलाय है. अभी हम किरण हॉस्पिटल है हमारा मैं देखभाल करता हूँ. हमारा भी किरण हॉस्पिटल नया बना सूरत में. कितने को मालूम है लाभ धन्यवाद 100% को मालूम है. तो एक हॉस्पिटल में मैं आईसीयू में गया 15 दिन पहले देखने को.
तो दो आईसीयू साथ में किया था, 10 पेशेंट था, 10 में से 7 पेशेंट एक्सीडेंट वाला आया था, 10 में से 7 एक्सीडेंट वाला था। ये एक्सीडेंट किसने किया? हमने किया, भगवान ने नहीं किया, क्योंकि हम धूम चलाते हैं, हम भाई कुछ भी करें मगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये हमारी अवला है, जीव की अवला है। तो अगर लोग सुधर जावे ने, अब जा हॉस्पिटल में ज्यादा करके अवलाई का होता है, कोई बहुत खा के आता है, कोई बहुत भूखा रह के आता है, कोई भटका के आता है, कोई मार के आता है, कोई मार खा के आता है। सब लोग ज्यादा करके आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको दिखेगा कि उसमें भगवान ने जो किया, कोई ने तावाया वो भगवान का होता है, बुखार आ गया चलो वो भगवान ने भेजा, तो ये होता है। मगर ये जो ज्यादा करके लोग ये है, तो हम इसमें है, इसलिए हमको सामने वाला की बात ऐसी, सामने वाला गलत है। आप बहुत विचार से देखे उसमें, चलो एक मैं स्टोरी बोल दूं मेरी। ये भाई ने समझाया कि आप अगर कार लेके जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया साइकिल वाला के साथ, तो आप क्या करेंगे? नीचे उतर के साइकिल वाले को एक झपट डाल देंगे। क्यों? कि साइकिल वाला कमजोर है हमारे से, हम मोटर वाला है, हम पैसा वाला है, तो हम उसको जाके एक झपट डालेंगे। मगर अगर सामने कार वाला आया तो हम खाली ऐसे ऐसे करेंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि हमने डर लगता है वो भी बड़ा होगा। कमजोर जहां हम देखते हैं वहां हमारी होशियारी हम दिखाते हैं। हम कहां जाते हैं समाज में, तो भाई भाई ऐसे बोलते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे को पहचानते हैं मैं कौन हूं। मैं उनको हलूक शांति से बोलता हूं कि भाई इतना तुम बड़ा, बहुत होशियार और इतना शक्तिवान है, तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पर हमको बहुत परेशानी है, वहां चले जाने। तू यहां तेरा भाई के साथ बोलता है मैं कौन हूं, तो तेरी पहचान ना हो जाएगी तू कौन है। तो हम जहां भी देखते हैं कमजोरी वहां हम ढांकते हैं। ऐसे हम सामने वाले को कभी मानते नहीं है। सामने वाला ज्यादा करके सच्चा होता है। हम अगर धीरज से विचारे तो सामने वाला सही होता है। तो आज आप सामने वाले को सुनने को शुरू कर दो धीरज से, और कोई भी नियम लो आप कि हम सामने वाला गलत है, मैं उनको एक घंटे के बाद समझाऊंगा। बस आपको उनको समझाने का है, मगर तुरंत नहीं। मगर क्या होता है खबर, हम 5 मित्र है, 10 मित्र है, हम सब साथ में बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई सांभल सांभल, तो बोले ये हम क्या, तू पहला हमारी बात सांभल। कोई कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और मित्र, आप सब लोग को मैं एक फॉर्मूला देता हूं कि अगर कोई बात बात में जिसको खराब लगता है, એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે વાત વાતમાં ખોટું લાગે, એને કદી મિત્ર બનાવશો નહીં। કારણ કે મિત્રને કોઈ દે ખોટું લાગે જ નહીં, અને મિત્ર હોય એને કોઈ દિવસ ખોટું લાગે જ નહીં, અને ખોટું લાગે એ મિત્ર હોય જ નહીં। એટલે તો તમે નહીં બનાવતા એટલે એને એમ કહેશો ચાલ ભાઈ ગેટ આઉટ, એમ નહીં। એને તો માલુમ ઈ નહીં હોના ચાહીએ કે હમને ઉનકો એવોઇડ કિયા હૈ। मगर हम धीरे धीरे करके रिस्पेक्ट कम करता जाने का, ऐसा उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ना हमको मालूम होना चाहिए। मैं मेरा जीवन के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 आप पूरा पृथ्वी लोक में कोई भी आदमी 10,000 से ज़्यादा नाम से बोल नहीं सकते, कोई भी आदमी, ये सर हुए VC साहब है तो वो 20,000 को नाम से नहीं पुकार सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड है 10,000, और मेरा तो 1,000 का भी नहीं है, तो क्योंकि मेरे को तो याद शक्ति है ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी जो कोई है तो उसको एवॉइड धीरे धीरे करें, हम नहीं कि एक साथ में बोल दिया कि तू मेरा काम का नहीं है। तो मैंने लिस्ट बनाया है, ए में कौन लोग आता है मेरा पहचान वाला, बी में कौन, सी में कौन, डी में कौन, और मैं उनको बोलने नहीं जाता, मगर ए वाला जो है उसके साथ मैं सामने को मिलने को जाता हूँ, उनके घर पे, उनकी फैक्ट्री पे, कहाँ भी है, क्योंकि वहां से मेरे को कुछ मिलता ही है, वन वे है। और दूसरा भी होता है, उसमें मेरे को मिलता भी है, मैं देता भी हूँ, और अरस परस हो गया। और सी जो होता है
वो खाली लेता है मगर देता कुछ नहीं, वहां से कुछ मिलता नहीं, मगर वो मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है। और डी जो होता है वो तो जब भी मेरे को मिले एक टेंशन का बॉक्स देते ही जाते हैं। तो उनके संबंध हम कैसे दूर रहे ये हमको सोच रहे, उसको बोलने का नहीं तू डी में है, मगर उसके साथ हमको दूरी कैसे रहे वो ये अपने को एक्सरसाइज शुरू रखने का। और कभी ऐसा भी होता है सी वाला बीमा जाता है, बी वाला एमा जाता है, ए वाला बी में जाते हैं, ऐसा भी होता है, मगर ये हर 3 महीने 6 महीने ये शुरू रखने का, इससे अपना टाइम बिगड़ेगे नहीं। जो सी डी के साथ हम ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़े, ए बी के साथ रहे, ये बात है। तो बहन जी अभी जो आपने क्वेश्चन किया था तो सामने वाला गलत नहीं है ये सोच के ही व्यवहार करो तो अपना शांति बनी रहेगी। ये भाई ने जो पहला बोला था ना कि कोई सामने वाला गलत है ही नहीं क्योंकि भगवान ने बताया है। बोलिए जी, बोलो बेन। तुम्हारी प्रेरणा शू हती कंपनी चालू करवा? तुम्हारी प्रेरणा शू हती कंपनी चालू करवा? जीवन ने कोई प्रेरणा असे ना तुम्हारी? हूं कैसे भी? आपकी प्रेरणा क्या थी? ओके नहीं नहीं ये कंपनी आपने कैसे बढ़ाया ये बात ही तुमने विचार के भी इतना आई हो क्या? कैसे विचार आया? बराबर से देखो ये योजना ये सृष्टि में बहन जी के लिए ताली बजाओ। ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है। आप लोग को विश्वास है? नहीं है? कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु में कुछ समझ आया कि नहीं आया? ये बात हो गई। कर्तु मिस करने वाला, कुछ भी कर्म करने वाला, कराने वाला, कर्तु ने नहीं कराने वाला, एकदम अपना काम कोई भी प्लान बंद रखने वाला, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है, भगवान ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ करते, हम कुछ ही नहीं है। तो मनुष्य कहे मैं ही करूँ, करतल दूजा कोई, आदरा अधवच्चे रहे, हरि करे सो होय। तो मनुष्य ऐसे मानते मैं ही करता हूँ, करने वाला कोई दूसरा है। ऐसा आपको बहुत अनुभव होगा कि अपना सब कुछ प्लान बनाया हुआ और फिर भी चौपट हो जाता है, ऐसा रहता सबके जीवन में क्योंकि हम सर्वस्व नहीं है। तो उसमें आता है प्रारब्ध, अपना भाग्य होना चाहिए। प्रारब्ध क्या होता है ये भी मैं समझाऊं। उंदर कापे करंडियो, साप उंदर ने खाए, उद्योगे अवलू पड़े, हरि करे ते थाए। जो उंदर होता है वो करंडिया काटता है क्योंकि फल खाने के लिए, मगर एक बार वो मदारी के घर पे पहुंच गया, वो अंदर तो सांप बैठा था, उसने करंडिया काटा, अंदर सांप बैठा था उनको खा गया। तो उनने मेहनत तो की, उंदर ने पूरी ना रात भर मेहनत की, हर दिन उनको फ्रूट मिलता था, मगर प्रारब्ध में नहीं था तो उद्योगे अवलू पड़े, उल्टा भी हो सकता है हम कोई भी काम करें तो। ये उनको प्रारब्ध बोलते हैं कि भाई भाग्य में होवे तो मिलता है। ऐसे मेरा जीवन में मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखता, मैं प्रेजेंट में जीने वाला आदमी हूं, एटले भूतकाल को भूल जाओ, फ्यूचर की कोई चिंता मत करो, खाली प्रेजेंट को सुधार लो, अपने वर्तमान काल जो है प्रेजेंट उनको सुधार लो। आज आपको पढ़ने का है तो आप पूरा पढ़ लो, आज आपको कोई काम सौंपा है पूरा खंत से कर लो, तो भविष्य अवश्य 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 अच्छा ही होगा, क्योंकि कलम है कि नहीं मालूम नहीं। मगर और भूतकाल को हम क्यों भूल जावे कि कल हमारे हाथ में कभी आने वाला नहीं है, साक्षात भगवान आवे तो अभी यस्टरडे नॉट कलेक्ट। हम तो खाली फ्यूचर को देखते रहते मगर फ्यूचर है कि नहीं वो नक्की नहीं, इसलिए बोलते हैं जो भूतकाल है वो तो कैंसल हुआ चेक है, चेक था मगर कैंसल हो गया, वो अपने पास नहीं है। फ्यूचर है वो बैरर चेक है,
मगर प्रेजेंट है वो कैश ऑन हैंड, वो हमारे हाथ में है, इसलिए हमको फ्यूचर में ऐसे में फ्यूचर में नहीं जाता, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। तो जो मेरे को काम करने को आया प्रेजेंट में ही मैंने काम किया, प्रगति बढ़ता ही गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 50 साल पहले 40 साल पहले साक्षात भगवान मेरे सामने खड़ा होता और बोलता बेटा मांग तेरे को क्या चाहिए, तो आज जो मेरे पास है वो मैं मांग नहीं सकता। क्यों? तभी टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हम कैसे मांगते? टीवी मोबाइल के बिना तो हम रह जाते, भगवान साक्षात आए और मांगते तो इससे भी ज़्यादा मिला है। तो प्रेजेंट में मैंने जो कुछ मिला प्रेजेंट किया, वो प्रेजेंट में रह के काम किया है, इसलिए ये प्रगति यहाँ तक पहुँची है। अभी वो बैंक खड़ा हो गया, उनका मीनिंग है कि अभी बंद करो, ये बात मैं समझ गया। तो देखो समय किसी का राह नहीं देखता, तो ये जो समय अपना खत्म हो गया, समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया यही धनुष यही बाण। तो अभी समय अपना खत्म हो गया, अभी ये समय में मेरे को आपको जो बातचीत करने की थी वो अच्छी आपको लगी होगी, और आपका जीवन में अगर कोई बदलाव आवे ऐसा आपकी बात लगी है तो आप मानने का कि ये तो भगवान ने मेरे द्वारा बुलाया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपके लिए भगवान ने बुलाया है। अगर कोई गलत लगी, कोई हर्ट हुआ, तो ये मेरी अज्ञानता है, क्षमा याचना, और फिर हम कभी भगवान कोई ऐसी योजना करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। और आप लोग ने इतना शांति से रिस्पॉन्स दे के हमको सुना, ऐसे हम आभारी है। और सबसे मेरे को और दो बात सब करने की थी, मगर समय मैंने बोला वो किसी का राह नहीं देखता, हम जैसे सोचते ऐसे होते ऐसे नहीं, इसलिए कि काम क्यों रह गया। ऐसे हम विशी साहब, उनका पूरा आपका स्टाफ ओरो का और आप सब लोग को आभार व्यक्त करके धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद काका। हमने आपके इस इंटरेक्शन से दो चीज़ तो सीखी है, जैसे सुख स्वभाव देता है, शर्म रखना नहीं, मर्यादा तोड़ना नहीं। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑफ विजडम। मे आई नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल वीसी Professor Avdesh Kumar Singh Ji to please come forward and felicitate our speaker with a token of gratitude. There is an announcement. Students of business 1 to 50, you have to move to room number C231. And students of liberal arts, you have to move to room number C232. Rest of the students, you please remain seated here. Yes, dear students, please sit for a while till the guests leave. Liberal Studies students, please move to room number C232.
Students who are supposed to leave, please leave quickly after. Now the guests have left already. So please move to your respective venues. Business students 1 to 50, move to room number C231. Thank you.